ये है कि नहीं ऐसा? अरे आप तुझे जिताऊ मैं, पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। लाल टी शर्ट में दिख रहा शख्स भरे मंच पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कहता है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तो बन जाएगी लेकिन हिसार में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। नाम है लड़के का उमंग और गुस्ताखी है कि उसने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री के सामने गुस्ताखी कर दी कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अपने गार्ड को इशारा करते हैं और कहते हैं इस व्यक्ति को बाहर ले जाओ हॉल से, इसकी हिम्मत कैसे हुई। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन खबर। खबर को विस्तार से जानते हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है। उसके बाद 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते हैं जिसमें नतीजे जो थे एकदम से पलटे हुए नजर आए, ठीक उसी प्रकार जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे पलटे हुए नजर आए थे। जहां एक तरफ सारे एग्जिट पोल, सारे न्यूज चैनल के जो दावे किए जा रहे थे या बात करें राजनीतिक विशेषज्ञ जो थे जो दावे कर रहे थे वो सारे फेल हुए नजर आए, लेकिन लाल टी शर्ट में दिख रहा शख्स जो भविष्यवाणी करता है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती। लड़के ने दो बातें बोली, पहली कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बना लेगी, जबकि सारे न्यूज चैनल, सारे एग्जिट पोल, सारे राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को मान के चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार तो तय है, क्योंकि इसके पहले कुछ हालिया दिनों में देखा जाए तो किसान आंदोलन हुआ या फिर देख लिया जाए कि अग्निवीर जैसी जो स्कीम थी उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई थी। इससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार अपना दबदबा कायम करेगी और 10 साल का जो उपवास था कांग्रेस का हरियाणा में, कांग्रेस उसको फिर से वापस लाएगी। लेकिन जब 8 अक्टूबर को 10:30-11 बजे के बाद जैसे नतीजे आने शुरू हुए तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट थे वो बदले हुए नजर आए, जो दावे थे वो बदले हुए नजर आए और बीजेपी 48 सीटों के साथ सरकार बनाती है और कांग्रेस को बहुमत से कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ता है। लड़का दो दावे करता है लाल टी शर्ट में दिख रहा शख्स, पहले कि बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाएगी, दूसरा बीजेपी हरियाणा में सरकार तो बना लेगी लेकिन हिसार की सीट जो है वो हार जाएगी। हिसार सीट का इतिहास जानने से पहले जान लेते हैं कि अभी जो रिजल्ट आए हिसार के उसमें क्या रहा। तो आपको बता दें, सवित्री जिंदल जो कि बीजेपी से सीट मांग रही थी कि उनको प्रत्याशी बना दिया जाए लेकिन बीजेपी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा। इसके विपरीत उन्होंने बीजेपी ने डॉक्टर कमल गुप्ता को यहां से चुनाव लड़वाया बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के जो डॉक्टर कमल गुप्ता हैं उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहां तक कहा गया कि उनकी जमानत जब्त हो गई है। अब बात करें कि वोटों का अंतराल कैसा रहा, तो सवित्री जिंदल को 49,231 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी राम निवास रार जो हैं उनको, कांग्रेस के प्रत्याशी को 30,290 वोट मिले। वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें तो डॉक्टर कमल गुप्ता को 17,385 वोट मिले जो कि तीसरे नंबर पर रहे। अगर बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की तो 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी रहे और उन्होंने जीत हासिल की। इस वजह से पूरे देश की इस सीट पर नजर थी कि क्या इस बार कमल गुप्ता फिर से अपना परचम लहरा पाएंगे या फिर सवित्री जिंदल जो कि बीजेपी से टिकट मांग रही थी क्या वो परचम लहरा पाएंगी। सवित्री जिंदल की बात करें तो सवित्री जिंदल का और सवित्री जिंदल के परिवार का एक राजनीति में खासा इतिहास रहा है और सवित्री जिंदल के बेटे की बात करें तो उनके बेटे इस समय बीजेपी से कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। अगर इस हिसार सीट के इतिहास के बारे में बात कर लें तो 1991 में ओपी जिंदल जो कि अविपा हरियाणा विकास पार्टी से विधायक थे, 1996 में एक प्रकार फिर से ओम प्रकाश महाजन जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2005 और 2000 में ओपी जिंदल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। इसके बाद 2005 में किसी कारणवश उपचुनाव होते हैं हिसार में, जिसके बाद सवित्री जिंदल कांग्रेस की प्रत्याशी होती हैं और वो जीत हासिल करते हैं। 2005 के बाद 2009 का समय आता है, 2009 में फिर से एक बार सवित्री जिंदल कांग्रेस की प्रत्याशी होती है, कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है और वो जीत हासिल करती हैं। 2009 के बाद 2014 में और 2019 में डॉक्टर कमल गुप्ता जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, कमल गुप्ता भाजपा के प्रत्याशी होते हैं और 2014 और 2019 में
वो जीत भी हासिल करते हैं। लेकिन 2024 की बात करें तो 8 अक्टूबर मतलब कल जब रिजल्ट आए विधानसभा के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे आंकड़े फेल होते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं ये पूरा जो इतिहास रचा जा रहा था कमल गुप्ता का दो बार से, वो फेल होते नजर आए और 2024 में सवित्री जिंदल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थी वो जीत हासिल करती हैं। तो ये दो बिंदु जो थे जो लड़के ने भविष्यवाणी की थी कि एक तो बीजेपी हरियाणा में सरकार बना लेगी लेकिन हिसार में वो बीजेपी पार्टी अपनी सीट नहीं बचा पाएगी, तो ठीक उसी प्रकार हुआ। जहां पर सारे दावे, सारे एग्जिट पोल, सारे राजनीतिक विशेषज्ञ की बातें फेल होती नजर आईं, वहां पर इस लड़के की बातें सत्य साबित हुई और कहीं ना कहीं ये लड़का वायरल भी हो रहा है। इस पूरे विषय में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।